भागलपुर सिटी एसपी राज ने रविवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आपराधिक मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी समेत अन्य घटनाओं की जानकारी दी। पहला मामला 50,000 रुपए के इनामी अपराधी से जुड़ा है, जिसे एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा गठित टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम के द्वारा अररिया से 3 मामले में आरोपी रहे अपराधी मिर्जानहाट वारसलीगंज निवासी दशरथ शाह के पुत्र कुंदन शाह की गिरफ्तारी कर ली गई है। सिटी एसपी ने बताया कि इसके विरुद्ध 6 मामला दर्ज है और वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके अलावा 3 मामले में कुंदन शाह वांटेड भी है। उन्होंने बताया कि कहलगांव थाना कांड संख्या 407 में डकैती लूटपाट के मामले में इसके 5 साथी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि यह उस मामले में फरार चल रहा था। वहीं दूसरे मामले को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि बीते 1 फरवरी को पैठनपुरा निवासी मणिकांत मनी की आभूषण चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद केस दर्ज कर कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में एक की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसकी पहचान कहलगांव निवासी कमली यादव के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई लाखों रुपए के जेवरात और 30,000 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। साथ ही पूछताछ के क्रम में अन्य अभियुक्तों के नाम भी सामने आ रहे हैं और उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इधर तीसरे मामले को लेकर सिटी एसपी राज ने बताया कि नवंबर में हुई फायरिंग की घटना में नवगछिया परबत्ता निवासी मनी यादव और प्रभाष यादव को कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इस छापेमारी में परबत्ता, सबौर औद्योगिक थाना, एसटीएफ की टीम समेत पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे। 1 फरवरी को पैठनपुरा निवासी मणिकांत मनी जी के घर में आभूषण चोरी की गई थी। इस संबंध में 103/24 केस प्रतिवर्तित किया गया था। कांड का उद्भेदन हेतु एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में यह काम कर रही थी। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति का नाम अमन कुमार है, अमन कुमार, पिता कमली यादव, जो कि कहलगांव का ही रहने वाला है। इसके निशानदेही पे जो चोरी किया हुआ जितने आभूषण थे, जैसे सोने का कंगन 2 पीस, सोने का एक स्प्रिंग नुमा कंगन मिला है, मंगलसूत्र मिला है, इसके पास से बरामद जी जी सोने की अंगूठी 1 पीस, चांदी का पायल, चांदी का सिक्का, चांदी का बिछिया और इसके पास से नगद 30,000 रुपया भी बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में अन्य और अभियुक्तों का भी नाम आ रहा है, जहां पे इसने ये बेचने का प्रयास किया था। इसका कोई आपराधिक इतिहास भी जी? आपराधिक इतिहास हम लोग अभी खंगाल रहे हैं। अभी तक हम लोग को थाने से सर्च नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अन्य थाने और अन्य जिलों से संपर्क करेंगे। कीमत लाखों में रुपए में होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं सोना भी है और कंगन है और चांदी भी है, तो इसमें 30,000 रुपया नगद भी हम लोग को इसमें मिला है। बिहार के भागलपुर से धर्म परिवर्तन करवाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। बता दें कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको लालच देना और फिर एक मुहिम के तहत उनका धर्म बदल देना, ऐसे मामले बिहार में लगातार सामने आ रहे हैं। भोले भाले लोगों को कभी उनकी मर्जी के खिलाफ तो कभी छोटा मोटा लालच देकर उनके धर्म से अलग कर दिया जाता है और एक नया धर्म अपनाने को मजबूर किया जाता है। उस वक्त तो वे लोग लालच में आकर ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बाद में उनके लिए सजा बन जाती है और फिर पुलिस तक शिकायत पहुंचती है। रविवार को भागलपुर के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बाजार चौक स्थित पप्पू यादव के मकान में धर्म परिवर्तन के लिए मिशनरी के कुछ लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौकीम नाम के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने ले गई, जबकि उसके साथ धर्म परिवर्तन का काम कर रही अनिता देवी मौके से फरार हो गई। स्थानीय निवासी मनोज शाह ने बताया कि साल भर से दर्जनों महिलाएं और पुरुष अलग अलग गांव मोहल्ले से आकर प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं, जिनको बरगलाकर उनका धर्म बदल दिया जाता है। वहीं प्रार्थना सभा में शामिल नीलम देवी और स्नेहलता देवी ने बताया कि गांव के लोगों को इसमें जोड़ते हैं और बताते हैं कि यदि कोई बीमार है तो उनकी बीमारी ईसाई धर्म अपनाकर ठीक हो सकती है। पहले ये लोग उन्हें उनके इलाज का लालच देते हैं, जब वो लोग वैसे नहीं मानते तो फिर भोले भाले लोगों को डराया भी जाता है कि यदि ईसाई धर्म नहीं अपनाया तो वे जीवन भर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। प्रार्थना सभा स्थल से बाइबिल के दर्जनों पुस्तक, यीशु मसीह की तस्वीर व प्रतीक चिन्ह
बरामद किए गए हैं। परमेश्वर रो भजन हो प्रभु जी भजन हो ठीक छो वही भजन में सभी आवे छलिए तो खूब अच्छा आनंद हमरा सनी बहुत अच्छा छे खूब फायदा भागलपुर में दू तीन जगह भरलो यहाँ कहिया से पाँच छह साल पाँच छह साल से भागलपुर में हो तो घंटा घर आरु होय छ कचरी ल दूध होय छ घर रोज होय छ हां तब बाबूपुर सवार छ बाहु होय छ। बालू माफियाओं का हौसला काफी बुलंद है। प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद बालू तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बांका का है, जहां बीती रात्रि बालू तस्कर ने पुलिस पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। बता दें कि तस्करों ने पुलिस पर कुल्हड़ी से भी हमला किया, ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया। घटना रामपुर गाँव की है, जहाँ बालू तस्कर गिरोह ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर बालू लदा ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। ट्रैक्टर रामपुर गांव के ही एक बालू तस्कर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि पैरघा, कटहरा, रामपुर सहित आसपास के प्रतिबंधित घाटों से तस्कर अवैध खनन कर रहे हैं, जिस पर दरोगा चंचल कुमार पुलिस बल के साथ रामपुर गांव पहुंचे, जहां पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त भी कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आधा दर्जन से अधिक बालू तस्कर कुल्हड़ी एवं लाठी लेकर मौके पर पहुंच गए और पुलिस से उलझ गए। बालू तस्कर एवं उनके परिवार की महिलाएं भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगी। एक बालू तस्कर ने तो पुलिस पर कुल्हड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक जवान बाल बाल बच गया। पुलिस और तस्कर के बीच तीखी नोकझोंक के बीच ट्रैक्टर चालक ने दरोगा चंचल कुमार को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वो सही समय पर ट्रैक्टर से आगे हट जाने के कारण सुरक्षित बच गए, जिसके बाद तस्कर मौके से ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस एवं बालू तस्करों के बीच नोकझोंक लगभग आधे घंटे तक चलता रहा, जिसमें रामपुर मोड़ फुल्ली डूमर मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा पुलिस बल के साथ रामपुर गाँव पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बालू तस्कर मौके से फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने इस घटना को लेकर रामपुर गांव के बालू तस्कर आशीष चौधरी सहित 9 आरोपित को नामजद एवं 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि पूर्व में भी बालू तस्कर आशीष चौधरी द्वारा खनन पदाधिकारियों एवं पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर थाने में केस भी दर्ज है। इधर पुलिस एक्शन में आ गई है और सभी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं बांका एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि बालू माफियाओं द्वारा पुलिस पर हमला किया गया है, मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश थानाध्यक्ष एवं डीएसपी को दे दिया गया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
भागलपुर सुल्तानगंज अंतर्गत भीरखुर्द पंचायत के स्टेडियम का जीर्णोद्धार करने के लिए बांका सांसद गिरधारी यादव एवं स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने रविवार को पंचायत के मुखिया चंदन कुमार के साथ भीरखुर्द पंचायत के स्टेडियम का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान बांका सांसद ने स्टेडियम की घेराबंदी कराने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक ने कहा कि DDC से बात कर जल्द ही भीरखुर्द पंचायत के स्टेडियम का काम पूरा किया जाएगा। वहीं पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने बताया कि स्टेडियम की घेराबंदी होने पर खिलाड़ियों को काफी सहूलियत मिलेंगी। इस दौरान विवेकानंद, अमन कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। कराएंगे क्या बाउंड्री करेंगे? हम जहां से भी होगा, मुखिया से होगा, MLA से होगा, MP से होगा, जिला परिषद से होगा, मुख्यमंत्री से होगा, प्रधानमंत्री से होगा, इसको हम लोग कराने का प्रयास। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में रविवार को शबे बरात को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार के द्वारा की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर सभापति नीलम देवी मौजूद रही। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से शबे बरात को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही थाना प्रभारी ने मीडिया को बताया कि सभी लोगों ने इस पर्व को शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का भरोसा दिलाया है। बैठक में जिला अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास, मनीष कुमार, विनय शर्मा समेत राजनीतिक दल के नेता एवं मुस्लिम समुदाय के कई लोग मौजूद। दिशा निर्देश क्या है सब? ये तो इबादत का पर्व है, क्षमा का पर्व है, क्षमा मांगने का पर्व है। सभी मुस्लिम भाइयों से बोला गया है, बताया गया है कि भाई आप लोग अपने बच्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखें, किसी तरह का उदंडता न करें। उदंडता फिर बर्दाश्त नहीं होगा, उस पर कठोर कार्रवाई सर। भागलपुर सुल्तानगंज के भीरखुर्द पंचायत में डायरेक्टर निशांत कुमार के द्वारा रविवार को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बांका सांसद गिरधारी यादव, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, पंचायत के मुखिया चंदन कुमार, पंचायत समिति सुधीर सिंह, जदयू महिला प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रभा सिन्हा, जदयू नेता विवेकानंद मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही स्कूल के शिक्षकों द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत बुके एवं अंग वस्त्र देकर किया गया। वहीं बांका सांसद गिरधारी यादव एवं स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। इस दौरान उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही स्कूल में मिल रही सभी सुविधाओं के लिए स्कूल प्रशासन की सराहना की। मौके पर सैकड़ों बच्चे, अभिभावक एवं ग्रामीण मौजूद थे।